नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजायर क्लासेस। मैं पवन गुप्ता। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 की जो प्रीवियस ईयर की पेपर है उसकी कंप्लीट एनालिसिस। यानी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2018 में जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके मैथमेटिक्स सेक्शन से किस पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का प्रॉब्लम पूछा गया है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जानकारी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड इस पे जानकारियां आती ही रहती हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और किस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा गया है क्रम संख्या, यहाँ पे शीर्षक यानी टॉपिक किस टॉपिक से, और ये देखिए, ये जो सेक्शन आपका बताया जा रहा है इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18/6/2018 शिफ्ट फर्स्ट का है, और इसके बाद इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, और ये 18/6/2018 सेकेंड शिफ्ट का है, और उसी तरह जो 19 तारीख को दोस्तों आपको पेपर हुआ था उसका ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, और ये आपका 19 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था उसके बाद 25 तारीख को जो पेपर हुआ था 25 अक्टूबर 2018 को, उसकी ये एनालिसिस आपको बताएगा, और ये आपका 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, और 26 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था ये उसकी एनालिसिस है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट 2018 में जितने भी पेपर हुए, देखिए कितने पेपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पेपर का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 7 पेपर की एनालिसिस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और ये एनालिसिस आपको अपकमिंग एग्ज़ाम जो पुलिस कांस्टेबल का है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आइए दोस्तों, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लें कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला संख्या पद्धति है। तो दोस्तों, संख्या पद्धति में जो आपका पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था, यानी नील बता रहा है, सेकंड में भी नील है, लेकिन जो 19 तारीख को पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें संख्या पद्धति से एक प्रॉब्लम पूछा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी एक प्रॉब्लम पूछा गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी 19/6/2018 को जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पेपर हुई थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा आपका अदर किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड टॉपिक जिसका नाम है लसा एवं मसा, इसको बोलते हैं एलसीएम एंड एससीएफ। तो दोस्तों, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि एलसीएम एंड एससीएफ से हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से एलसीएम और एससीएफ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं एलसीएम एससीएफ, इसमें आप देखिए कि हर पेपर में दो दो प्रॉब्लम पूछा गया है, लेकिन सिर्फ 25 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रॉब्लम है, नहीं तो एलसीएम और एससीएफ से हर पेपर में आपका दो क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों, जहां तक मेरी एनालिसिस है एलसीएम और एससीएफ की, इसमें एलसीएम और एससीएफ से सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया है। तो एलसीएम और एससीएफ के आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, जो आपका है सरलीकरण, तो यहाँ पर आप देखिए सरलीकरण कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से हर पेपर में दो प्रॉब्लम पूछा गया, जहां तक आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि सरलीकरण भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सरलीकरण पे भी मार्क कर लीजिए, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका सरलीकरण और एलसीएम एंड एससीएफ से टोटल आपको 4 प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, जो आपका यहाँ पे लिखा है घात घातांक एवं करणी, दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि घात घातांक और करणी से एक भी प्रॉब्लम नहीं पूछा गया है 2018 में, तो इसलिए इसको आप पहले साइड में रख दीजिए, इसको लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा
तब आप पढ़िएगा घात गतांक एवं करणी को। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे दो दो एक एक प्रॉब्लम पूछा गया है वो सब आपको चैप्टर पे फोकस करना है। तो आप कहीं पे नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको एलसीएम एससीएफ पढ़ना है, उसके बाद सरलीकरण पढ़ना है। देन दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है औसत। तो देखिए औसत से हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो 26 तारीख को पेपर हुआ है उसमें आपका ये दो दो प्रॉब्लम पूछा गया। तो इसलिए एवरेज टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही दोस्तों, इसको तो सबको पढ़ना ही है। तो औसत को भी हाईलाइट कर लीजिए और औसत भी आप अच्छे से पढ़िए। अनुपात एवं समानुपात हमारा अगला टॉपिक है और आप क्वेश्चन को देख रहे हो दोस्तों जो इसकी एनालिसिस है अनुपात और समानुपात से हर पेपर में दो प्रॉब्लम पूछा गया। तो इसलिए अनुपात और समानुपात हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अनुपात एवं समानुपात को भी अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। तो प्रतिशत से देखिए एक और दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा गया है और यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो 25 तारीख को पेपर हुआ था उसमें परसेंटेज से तीन क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए परसेंटेज भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों परसेंटेज को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़िए, एनी हाउ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दोस्तों लाभ और हानि। तो दोस्तों देख रहे हैं आपकी लाभ और हानि से पहले पेपर में तो दो क्वेश्चन था, फिर 111 कर दिया, देन अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग दो दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों इसको भी अंडरलाइन कर लो और प्रॉफिट एंड लॉस को भी अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों छूट, यानी इसका नाम है बट्टा। तो आप देख रहे हो कि ऑन एवरेज आपका एक क्वेश्चन बट्टा से हर पेपर में आया है। तो इसलिए आपको डिस्काउंट पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट बात करो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है आपका साधारण ब्याज, ठीक है। तो दोस्तों साधारण ब्याज से देखिए आपकी हर एग्ज़ाम में यानी हर पेपर में साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इसको एसआई यानी साधारण ब्याज आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आप चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़िए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं इस दोनों को एक साथ अंडरलाइन करता हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपके दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये तय है, ये फिक्स है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो अगला टॉपिक आपका है समय एवं कार्य, जिसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइम एंड वर्क से शुरू में तो दो दो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन लास्ट का जो पेपर हुआ है री एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका तीन तीन प्रॉब्लम पूछा गया। तो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए टाइम एंड वर्क, इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि टाइम एंड वर्क से देखिए तीन क्वेश्चन भी आने की आपके एग्ज़ाम में संभावना है। और नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं जो आपका है पाइप और हौज, जिसको बोलते हैं नल और टंकी। दोस्तों नल और टंकी से एक भी प्रॉब्लम नहीं पूछा है, तो नल और टंकी को अभी साइड में रख दीजिए। जो आपका प्रॉब्लम रेगुलर आ रहे हैं हर पेपर में उनको पहले ज़्यादा पढ़िए, यानी उस पर आपका फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ दोस्तों समय और दूरी, यानी समय दूरी और चाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो समय दूरी और चाल जो आपका टॉपिक है इससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको भी आप लोग टॉपिक को अपने इंक्लूड करिए क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, एक क्वेश्चन से दोस्तों सिलेक्शन रुक जाता है, कट ऑफ पार नहीं होता है। तो डैट्स वाई आपको ये समय और दूरी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं दोस्तों नाव और धारा। तो नाव और धारा से दोस्तों एक भी प्रॉब्लम नहीं पूछा है, तो इसको अभी साइड में कर दीजिए। जब आपके पास टाइम बचेगा तो इसको आप पढ़िएगा, अदरवाइज छोड़ के भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका कोई प्रॉब्लम में टेंशन नहीं है क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नाव और धारा से क्वेश्चन आने के संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं दोस्तों अनुक्रम और श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणियां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहां पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अनुक्रम और श्रेणी से एक भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आपका बीजगणित आपके यूपीपी के सिलेबस में नहीं है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्यामिति की दोस्तों मैं बात करूँ तो ज्यामिति भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रमिति आपके यूपीपी सिलेबस में मेंशन है, इसलिए आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है। और देखिए क्षेत्रमिति से आपके
क्वेश्चन कितने पूछे गए, यानी कि एक क्वेश्चन ऑन एवरेज आपका आ रहा है, क्योंकि इधर लेटेस्ट एग्जाम में नहीं है लेकिन स्टार्टिंग के सारे एग्जाम में एक एक प्रॉब्लम पूछा गया है। तो क्षेत्रमिति में आपका दो पार्ट है, 2D और 3D, दोनों को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करो दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है सांख्यिकी एवं आंकड़ा का विवेचन। तो दोस्तों सांख्यिकी एवं आंकड़ा का विवेचन से स्टार्टिंग में तो एक भी प्रॉब्लम नहीं पूछा था, लेकिन अब जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन पूछा गया। इसको बोलते हैं दोस्तों DI, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। जो आपका ग्राफिकल क्वेश्चन होता है वो ये टॉपिक है। तो दोस्तों DI भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें विविध। तो विविध का मतलब होता है दोस्तों मिसलेनियस, जो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए कि मिसलेनियस से ओवरऑल आपके 3 प्रॉब्लम 2 प्रॉब्लम हर एग्जाम में पूछा गया है। तो मिसलेनियस यानी विविध प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आप UPP कांस्टेबल 2018-2019 की तैयारी करिए, और देखिए कि टोटल आपके जो मैथमेटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन है वो टोटल दिया है कि कितना पूछा गया है। तो इस तरह से अगर अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, और एक कम समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के और आप पेपर में 100% कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने 100% मैथमेटिक्स को कर लिया तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने आपके लिए एक कंप्लीट सिलेबस की एनालिसिस लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपको ये पता चल जाए दोस्तों कि सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद कौन सा पढ़ना है, और देन लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्जाम होने वाला है जनवरी, अप्रॉक्सीमेट डेट जो बताया जा रहा है, एक्सपेक्टेड डेट जो बताया जा रहा है वो जनवरी है, तो इसलिए आपके पास समय बहुत ही लिमिटेड है, और इस लिमिटेड टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़े। तो दोस्तों उसी के लिए मैंने ये वीडियो लाया है कि प्लीज़ आप उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए ज़रूरत है। एक्स्ट्रा तब पढ़िए जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, अभी आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, लिमिटेड टाइम है। तो प्लीज़ आप जितना टॉपिक मैंने हाईलाइट कराया है वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देख लीजिए, और कंप्लीट टॉपिक को एक पेज पे नोट करिए और पहले उन सारे टॉपिक्स को क्लियर करिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए जो आपने छोड़ा है और सिलेबस में मेंशन है। क्योंकि जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है मे बी पॉसिबल उससे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, 1 से 2 प्रॉब्लम। तो दोस्तों 1 से 2 प्रॉब्लम नहीं, पहले उनके लिए आप प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया उसे कर सके। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपने तैयारी अच्छी कर ली तो आप 100% मैथमेटिक्स में सफल हो जाएंगे, और इस तरह से ही आप आगे कामयाब हो सकते हैं और वर्दी का जो रौला है रुतवा है उसको पा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरह से रीजनिंग की एनालिसिस को लेकर आएंगे, और इसी तरह आगे भी सब्जेक्ट्स की एनालिसिस को हम लेकर आएंगे, यानी ओवरऑल मैं आपको चारों सब्जेक्ट की एनालिसिस बताऊंगा कि 2018 का जो पेपर हुआ है उसमें किस सेक्शन से किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए, और कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आप हमारा चैनल, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों में भी शेयर करिए और लाइक करिए, और कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं इतना आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पे बेस्ड है, यानी कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर की आपका 500 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों कवर किया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, जो हमारे प्रीवियस ईयर का टारगेट 500 टॉप क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप देखते रहिए, कंटिन्यू उस पर लगे रहिए, क्योंकि उससे क्या मिलेगा आपको एक क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि हमारा UPP किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए आप हमारे रेगुलर अपडेट्स को देखते रहिए, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट आपका एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर दोस्तों।